कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कविकर्मणि। औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। बोलिए विनोद ठाकुर, बोलिए, जवाब दीजिए इस सवाल का। क्यों ना, इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। मिस्टर कोतवाल, जब आप जैसा सीनियर वकील अदालत की कार्रवाई में बेजा दखल अंदाजी करता है तो अदालत को तकलीफ होती है। आई एम सॉरी योर ऑनर। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर, थैंक यू। मिस्टर विनोद ठाकुर, इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ तो मिस्टर विनोद ठाकुर, मैं अभी अपनी बात पर कायम हूं। यह बताइए कि इस सफर की शुरुआत किसने की? जी मनाली ने। क्या आप इस बात को वजाहत से बता सकते हैं? जी मनाली पहले से एक एम्बिशियस लड़की रही थी। एम्बिशियस से आपकी मुराद क्या? यही कि वो अपने काम से ज्यादा अपनी खूबसूरती, अपने फिगर पर ज्यादा ध्यान देती थी और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश किया करती थी। मिस्टर विनोद ठाकुर, क्या आपकी नजर में खूबसूरती पर ध्यान देना अखलाकी या कानूनी जुर्म है? एम्बिशियस होना कोई बुरी बात है? मिस्टर विनोद ठाकुर, मेरे ख्याल में आपका ध्यान उसके काम से ज्यादा उसकी खूबसूरती और उसके जिस्म पर लगा लिया। अगर ऐसा ना होता तो आज वो इस अदालत में यहां ना होती और आप पर अपने बच्चे के अधिकार का दावा ना करती। खैर मिस्टर नोटा, अब आप मुझे ये बताइए कि शादी का ख्याल पहले किसके दिल में आया, आपके या मनाली को? वकील साहब, मैं इस बारे में सोच ही नहीं सकता था। आप ध्यान लगा के सोचिए मिस्टर विनोद ठाकुर, क्योंकि आपके इस बयान के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है और वो सबूत मैं अदालत के सामने रखूंगा, जिसमें आपने एक पुलिस अधिकारी के सामने वो बयान दिया हुआ है। क्यों ना, मेरे मुवक्किल को जबरदस्ती फंसाने के लिए मिस्टर राजेंद्र कुमार मनगढ़ंत सबूतों की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने आपके सामने किसी पुलिस ऑफिसर का जिक्र करते हुए मेरे मुवक्किल मिस्टर विनोद ठाकुर के बयान की बात की। क्या ये इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत अदालत में पेश कर सकते हैं? योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त कोतवाल साहब को यूं ही खाम खा हर मामले में बीच में अपनी टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने मिस्टर विनोद ठाकुर का वो बयान सुनाता हूं जिसमें उन्होंने एक पार्क में एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वो बयान दिया हुआ है, जब ये अपनी उस वक्त की सेक्रेटरी मिस मनाली के साथ घूमने जाया करते थे। ये अक्सर उससे घुमाने ले जाया करते थे क्योंकि उस वक्त योर ऑनर इन दोनों का रोमांस चल रहा था। इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या हो रहा है?
क्या नाम है तुम्हारा? जी विनोद। और तुम्हारा? मनाली। मैं तुम दोनों को इस पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, चलो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं जो कहता हूँ करता भी। देखिए हम दोनों तो क्या रिश्ता है तुम दोनों का? ये मेरे पति है। जी शी इज माय वाइफ। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी है। तुम दोनों को ये पब्लिक प्लेस में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? चलो के लिए कुछ इज्जत दे दो और रफा दफा कर दो इसे। ये क्या चलिए मेरे साथ। कहाँ इंस्पेक्टर साहब? कहाँ? पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं रात भर रहिएगा, वहीं प्यार कीजिएगा, चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात कीजिए। अच्छा, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई लाट साहब है ये? जी हाँ, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं। वाह, क्या नाम है बहुत बड़े आदमी का? ठाकुर रुद्र प्रताप से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के सपूत हैं और आप इनकी पत्नी। ये अच्छा हुआ मैंने आप दोनों का बयान इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। और रही ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से मिलने के बाद, तो कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर विनोद ठाकुर, आप मुझे ये बताइए कि आपने जिंदगी में कभी कोई अकलमंदी का काम भी किया है? आपको याद है मैंने आपसे कई बार पूछा कि अगर आपने मनाली से कोई ऐसा इकरार किया हो या फिर कोई ऐसी बात की हो जो आपके खिलाफ जा सकती है तो प्लीज मुझे बताइए। कोतवाल साहब, अब इतनी पुरानी बातें कहां याद रहेगी मुझे। हाँ, उस कैसेट के जरिए उसने मुझे ब्लैकमेल किया था और मैंने काफी रुपया खर्च भी किया था। और वही कैसेट फिर एक सबूत बन गया है आपके खिलाफ। कोतवाल साहब, उस कैसेट को हम कोर्ट में झूठा साबित नहीं करते। नहीं मिस्टर ठाकुर, क्योंकि इसमें मेरी मजबूरी यह है कि मनाली अदालत के सामने गवाही दे देगी कि वो उस वक्त आपके साथ मौजूद और जो कुछ हुआ उसकी आंखों के सामने। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्लीज अब तो भगवान के लिए मुझे वो सब कुछ बताइए कि मनाली के लिए आपने और कौन कौन से पापड़ बेले थे, क्योंकि उन सब बातों का जिक्र राजेंद्र कुमार अदालत में जरूर करेगा। एक बात याद आई है मुझे कोतवाल साहब, मैंने मनाली के लिए एक फ्लैट खरीदा था। मनाली के लिए फ्लैट खरीदा था और इस बात की जानकारी मुझे नहीं। अरे विनोद, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए क्या? कोई काम तो अकलमंदी से क्या करो। कितनी बार मैंने एक मिनट ठाकुर साहब, यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। मिस्टर विनोद, आप मुझे यह बताइए कि वो डील कब हुई थी और किसके साथ हुई, इससे पहले कि वो लोग इसे भी एक सबूत बनाकर अदालत में पेश करें हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ बताइए वकील साहब, आप मुझे याद करने दीजिए। तो कीजिए याद मिस्टर विनोद, प्लीज जल्दी याद कीजिए। तो मिस्टर विनोद, मुसीबतों के बादल इतने गहरे होते जा रहे हैं कि परेशानियों की बारिश अगर एक बार शुरू हो गई ना तो उससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। जी हां ठाकुर साहब, देखिए मनाली अकेली नहीं है, उसके साथ पुलिस है, राजेंद्र कुमार है, जज है और सबसे बढ़कर प्रगति है। हाँ वकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस बारे में मुझे संजीदगी से ही सोचना पड़ेगा।
बाबूजी मैंने सुना है आपने कोर्ट में कमाल कर दिया, आप वाकई इस शहर के बेस्ट लॉयर हैं। नहीं बेटी, दरअसल वकील वही होता है जिसके पास ठोस सबूत हो, पक्के गवाह हो, और मुझे नहीं लगता कि यहां मैंने कोई कमाल कर दिया है। दरअसल ये कमाल तो मनाली ने किया है और इसका साथ दिया है संजय ने। क्यों अंकल? मगर डैडी, अगर वकील कोतवाल इस कैसेट को चैलेंज करता है तो? नहीं बेटी, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया भी तो भी कोर्ट उसकी बात नहीं मानेगा। अंकल, मैंने आपसे कहा था ना, विनोद ने मेरे नाम से एक फ्लैट खरीदा है। मुझे मालूम है। तो कहीं उस फ्लैट के मालिक ने कोई गड़बड़ कर दी तो? नहीं मनाली, मेरे ख्याल में वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन जो है चेक के जरिए हुआ है और वो चेक पेमेंट को झुटला नहीं सकता। हाँ, कोतवाल ये जरूर कह सकता है कि कंपनी ने फैक्ट्री के लिए ये फ्लैट खरीदा था बस। मगर डैडी, अगर कोतवाल ने यही सवाल आपसे पूछा तो आप इसका जवाब क्या देंगे? मिस्टर राजेंद्र कुमार, जवाब दीजिए। मिस्टर कोतवाल की दलील में इतना वजन तो जरूर है कि कोई भी कंपनी अपनी सेक्रेटरी को फ्लैट लेकर दे सकती है। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे ये साबित हो कि मिस्टर विनोद ठाकुर और मनाली ठाकुर के दरमियान कोई दूसरा रिश्ता भी था। योर ऑनर्स, आपने सही फरमाया, बजा फरमाया आपने, लेकिन योर ऑनर इसमें भी एक पॉइंट है। जब कोई कंपनी अपने किसी मुलाजिम के नाम कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट खरीदती है तो वो फ्लैट कंपनी के नाम पर खरीदा जाता है योर ऑनर्स, न कि मुलाजिम के नाम पर। और अगर वही कंपनी उस फ्लैट को मुलाजिम के नाम पर खरीदती है तो उसकी कोई खास वजह होती है, कोई खास मकसद होता है योर ऑनर्स। क्यों कोतवाल साहब, कोई खास मकसद होता है या नहीं? मैं क्या जानू, आप बताइए। मैं तो बताऊंगा ही। बहरहाल, विनोद साहब, इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। ये बताइए कि आपने मनाली के नाम पर जो उसे फ्लैट खरीद करके दिया था उसकी खास वजह क्या थी? खास वकील साहब, इसकी खास वजह क्या हो सकती है? उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी और मुझे उसकी हालत पता रह गया और मैंने सोचा। और आपने सोचा? आप सोचते भी हैं योर ऑनर, इनकी बात पर जरा गौर किया जाए। इन्होंने ऐसी अदालत में यह बयान दिया था और मेरी मोकिला पर यह इल्जाम भी लगाया था कि वो एक अंबिशियस लड़की है, और यहां इनका दूसरा बयान है कि इन्होंने उस पर तरस खाकर उसे यह फ्लैट खरीद करके दिया था। योर ऑनर्स, बात ऐसी नहीं है योर ऑनर्स। बात तो यह है, सच्चाई यह है कि जिस तरह से मिस्टर कोतवाल इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है, बल्कि मैं भी यही कहता हूं कि जब विनोद ठाकुर मनाली ठाकुर को बागों में, पार्कों में घुमाने के लिए ले जाया करते थे, जब उसे फ्लैट खरीद करके दे रहे थे, उस वक्त विनोद ठाकुर का कोई इरादा मनाली के साथ शादी करने का नहीं था योर ऑनर। वो उसे शादी नहीं करना चाहता था योर ऑनर। इस बारे में मनाली ठाकुर काफी संजीदा साबित हुई, उसके इरादे बड़े पक्के निकले। उसने विनोद ठाकुर को वो सारी मनमानियां नहीं करने दी जो एक प्राइवेट दफ्तर का कोई अय्याश मालिक अपनी मजबूर और अपनी गरीब सेक्रेटरी के साथ करना चाहता हो। योर ऑनर, जब मिस्टर विनोद ठाकुर को अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसने मनाली ठाकुर को शादी का झांसा दे दिया।
योर ऑनर, यहां पर एक बात साफ तौर से जाहिर होती है कि मनाली ठाकुर एक गिरी हुई लड़की नहीं थी, उसका कैरेक्टर गिरा हुआ नहीं था। एक और बात भी साफ होती है कि किस तरह से विनोद ठाकुर और मनाली ठाकुर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। लेकिन योर ऑनर, विनोद ठाकुर ने एक दिन पंडित को बुलाकर अपने तरीके से एक शादी का बहुत बड़ा ड्रामा रचा, लेकिन किस्मत की करनी कुछ और ही थी योर ऑनर। उसे क्या मालूम था कि वहां कोई शख्स खड़ा कैमरा लिए इस औरत के साथ होने वाले फ्रेब और जुल्म की वो तस्वीर खींच रहा है। योर ऑनर, ये वही तस्वीर है जो अदालत के सामने सबूत के तौर पर पेश की जा चुकी है। विनोद ठाकुर जैसे लोग अयाशी के इस खेल को अपना अधिकार समझते हैं। वो समझते हैं कि वो जिंदगी भर इस खेल को खेलते रहें और जब चाहें दौलत के बलबूते पर कानून के गिरफ्त से बच निकलें। लेकिन योर ऑनर, कुदरत का कानून, कुदरत का निजाम कुछ और ही है। आज वही कुदरत का निजाम विनोद ठाकुर के सामने खड़ा है। एक तरफ से वो मजलूम लड़की, गरीब बेसहारा, और दूसरी तरफ से ये मोहब्बत का खिलाड़ी अय्याश रईसज़ादा विनोद ठाकुर। और वो सारे हालात और उन हालातों से निकलने वाले परिणाम, योर ऑनर, इन सब बातों का फैसला अदालत के हाथ में है कि क्या वो इस औरत के इस रिश्ते को जायज करार देते हुए इसे समाज में फिर से सम्मान और इज्जत के साथ जीने का हक देती है, या फिर विनोद ठाकुर जैसे अय्याश मोहब्बत के खिलाड़ी को फिर से अपनी मनमानी करने की खुली छूट देती है। योर ऑनर, मैं अदालत से इस फैसले की भी मांग करता हूं कि क्या अदालत विनोद ठाकुर को अर्जुन ठाकुर का जायज बाप करार देती है, या फिर अर्जुन ठाकुर को विनोद ठाकुर की पाप का नतीजा मानती है। योर ऑनर, ये सारे फैसले अदालत के हाथ में है, आपके हाथ में है, कानून के इस निजाम के हाथ में है। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न। बाबू जी, आप मिस्टर कोतवाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर वो तो इस केस में हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अरे वो वकील तुम्हारी मदद क्या करता विनोद? विनोद, तुमने तो अपनी मदद के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए। और इसके लिए कोई दोषी और नहीं, इसके लिए दोषी तुम हो, सिर्फ तुम। और इस वक्त तो तुम्हारी मदद भगवान भी नहीं कर सकता। अगर हम हार गए तो ये हार तुम्हारी नहीं होगी, इसे मैं अपनी हार समझूंगा, क्योंकि मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। अपना भाग्य विधाता मैं खुद हूं और आज तक सारे फैसले मैं खुद ही करता आया हूं, इसलिए उन फैसलों में हमेशा जीत मेरी हुई। मैंने कभी हालात और किस्मत के सामने
अपने घुटने नहीं टेके हैं। मैंने जब चाहा हालात और किस्मत को अपने ढंग से मोड़ दिया है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरे बेटे की शक्ल में शिकस्त मेरा पीछा कर रही है। मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरे बेटे की शक्ल में किस्मत मेरे सामने खड़े होकर मेरा ही मजाक उड़ा रही है। लेकिन अब भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हारी हुई बाजी किस तरह जीती जा सकती है। मैं आज भी किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता हूं। हेलो, कहिए रतनपुर के भाग्य विधाता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। तुम? हाँ मैं। क्या तुम जानते हो कल क्या होने वाला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मेरी हिम्मत छोड़ो, अपनी हिम्मत के बारे में सोचो और कुदरत के इंसाफ को देखो। कल तुम्हारी हार निश्चित है और तुम्हारी हार का कारण होगी एक औरत। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।